दुर्ग निगम आयुक्त की पहल से अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर नकेल कसने कार्रवाई की गई और राजस्व विभाग से जानकारी लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राजस्व एवं निगम अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जांच शुरू हुई। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुलगांव में अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई के पश्चात नगर पालिका निगम दुर्ग आयुक्त लोकेश चंद्राकर द्वारा पुनः अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते निगम आयुक्त ने अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित कर राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एवं नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर अवैध प्लॉटिंग क्षेत्र का सर्वे कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने हेतु आयुक्त लोकेश चंद्राकर के द्वारा भवन अधिकारी गिरीश दीवान को निर्देशित किया गया है। निर्देश के बाद तुरंत हरकत में आते हुए निगम के भवन अधिकारी गिरीश दीवान द्वारा उरला क्षेत्र की पटवारी निवेदिता राजपूत के साथ निरीक्षण करने पहुँचे और बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान श्री दीवान ने बताया कि शीघ्र ही संबंधितों को नोटिस देकर अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये बताया कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। इस संबंध में उन्होंने शहर के आम लोगों से अपील करते हुए प्रतिक्रिया दी। वर्तमान में आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात आयुक्त महोदय का सख्त निर्देश है कि शहर के आउटर इलाकों में बेतरतीब तरीके से बसाहट हो रही है, उसका कारण केवल अवैध प्लाटिंग है, तो इसको रोकना के आदेश जो है उन्होंने दिए हैं। उस आधार पर स्थानीय पटवारी एवं राजस्व विभाग के सहयोग से मेरे द्वारा सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही जो है उसका परीक्षण कर और उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं फिर भी आम जनता से भी मैं निवेदन करता हूँ कि शहर के आउटर इलाकों में जहाँ पर रोड, नाली, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी लेकर नगर निगम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आपको जानकारी देने के लिए नगर निगम कार्यालय में आप पहुँचकर उसकी जानकारी ले लें और उसके बाद ही खरीदारी करें, ताकि आपका पैसा वेस्ट न जाए, क्योंकि अवैध प्लाटिंग में हमारी अनुमति नहीं मिलेगी तो उनको बैंक लोन भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे वो उनके द्वारा किया गया जो है जो व्यय किया गया राशि कोई काम कर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आम जनता से यही अपील करूंगा कि नगर निगम से पूछकर प्लाट की खरीदी करें, ताकि वो सुविधापूर्ण अच्छे वातावरण में सुखपूर्वक रह सके। मैं गिरीश दीवान, भवन अधिकारी, नगर निगम दुर्ग। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।